वेलकम टू डेली करंट अफेयर टूडेज़ इलेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2022 ट्वेंटी द फर्स्ट क्वेश्चन इज वू हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चीफ ऑफ यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का नया चीफ किसको बनाया गया है एंटोनियो गुटारेस शाहिद अब्दुल्ला लिजट्रस और वोल्कर टर्क तो जो एंटोनियो गुटारेस है ही इज द यू एन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटारे शाहिद अब्दुल्ला इज एन जो जनरल असम्बली है की उनके जो हेड है वो है शाहिद अब्दुल्ला अब्दुल्लास इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम सो वोल्कर टर्क जो वोल्कर टर्क है उनको नया चीफ बनाया है यू एन एच आर सी का यू एन एच आर सी मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन इट वॉज मेड इन टू थाउजेंड एंड सिक्स इट्स हेड क्वार्टर इज एट जिनेवा स्विट्जरलैंड तो एन जो हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया का दैट वॉज मेड इन ट्वेल्थ अक्टूबर नाइनटीन ये दो डेट्स आपने याद रखनी है 2006 और 1993 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडकोटर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है लाइक डब्ल्यू डी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन एंड साइट्स कन्वेंशनल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके ट्रेड को रोकने के लिए ये बनाएगी ये संस्था इसका ये बनाया है 1973 में तो इनका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ आल्सो इन जिनेवा स्विट्जरलैंड और एक और है लाइक आई आपने याद रखना है आई यू सी एन दैट इज़ इसका हेडक्वाटर भी स्विट्जरलैंड में है बट कहाँ पर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका ग्लैंड में है के और बाकी ये जो सारे के सारे इनका कहां पे है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में नौ पगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू डेली बाय पीएम नरेंद्र मोदी एस जयशंकर शेख हसीना और नवाज़ शरीफ सो आंसर इस सी शेख हसीना आजकल शेख हसीना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कहाँ पे इंडिया के दौरे पे हैं। उनके जो पापा थे उनके जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान वो एक काफ़ी ज़्यादा उनको बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है ठीक है तो उनपे पगबंधु भी उनको बोला जाता था तो पगबंधु शेख मुजीबुर रहमान उन्होंने उनके नाम पे स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू दिल्ली में बाय शेख हसीना सो so, तो दो जो सोल्जर मारे गए थे 1971 के वॉर में ठीक है जो भी मारे गए थे जो भी इंजर्ड हुए थे ठीक है उनकी फैमिलीज के लिए उन्होंने एक स्कॉलरशिप एक पैसा और उनके बच्चों के लिए एक स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस किए दैट इज़ पगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप बाय बांग्लादेश पी शेख हसीना अब समृति और बोंगो सागर आपने ये दो याद रखनी है ये दोनों एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश पुलिसकर अवार्ड जो अभी अभी मिला था कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग के लिए वो फहमीदा को मिला है शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश नेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज गिवन टू शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड वॉज स्टार्टिड बाई अमित शाह इन सो ये न्यू डेली में आयोजित की गई है फिट इंडिया फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड ये स्पोर्ट्स राइड है ठीक है मोटर राइड है तो ये कहाँ पर की है न्यू डेली में ये स्टार्ट की है बाय अमित शाह विच स्टेट इनागरेट्स टू न्यू डिस्ट्रिक इन द स्टेट टेक्स टोटल टू थर्टी थ्री मतलब कि टोटल डिस्ट्रिक अब थर्टी थ्री हो गई है uh, कौन सी स्टेट uh, ने दो न्यू डिस्ट्रिक जो है अनाउंस किया और उसके बाद उसकी जो टोटल डिस्ट्रिक्स हो गए हैं वो थर्टी थ्री हो गई है दैट इज़ छत्तीसगढ़ कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी दो तीन दिन पहले कि ट्वेंटी एट इनके पास पहले से uh, डिस्ट्रिक्ट थी उन्होंने तीन ऐड की थी तीन चार दिन पहले ठीक है अब इन्होंने दो और अनाउंस कर दिए टोटल डिस्ट्रिक्ट गई थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सो दो कौन कौन सी बनी है महिंद्रागढ़ चिरमिरी भरतपुर ठीक है ये एक है और साकती साकती हमारे पास दूसरी है तो ये सबसे न्यूएस्ट है साकती थर्टी थर्ड ठीक है न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका दैट इज विजयनगर इसकी थर्टी थर्टी वन है तेरह डिस्ट्रिक्ट अनाउंसड इन आंध्र प्रदेश में तेरह अनाउंस हुई है तेरह प्लस तेरह छब्बीस यहाँ पे टोटल हो गई है सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंसड बाय वेस्ट बंगाल अब टोटल तीस होंगी इन फ्यूचर में अब ये बनी नहीं है अभी अनाउंस हुई है ना वू वन डायमंड लीग फाइनल इन ज्यूरिंग स्विट्जरलैंड तो आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि डायमंड लीग uh, uh, में जो है हमारे नीरज चोपड़ा ने आ, गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे ल्यूसैन में ल्यूसैन स्विट्जरलैंड में तो उन्होंने वहाँ पे गोल्ड जीता है तो उसी का एक फाइनल था फाइनल इन डायमंड लीग फाइनल कहाँ पे हुआ ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में वो भी किसने जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है ठीक है ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग विद अ थ्रो कितना फेंका उन्होंने 88.44 मीटर जेवलिन थ्रो किया था ही गॉट वाइल्ड काल्ड कार्ड एंट्री इस जैसे ही इन्होंने ये डायमंड लीग फाइनल जीता है उसके बाद क्या हुआ इनकी डायरेक्ट एंट्री हुई इनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप दैट टू भी हेल्ड इन बूडापेस्ट हंगरी अब प्रेजिडेंट ऑफ बूडा हंगरी दैट इज कैटलिना नोवाक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप Uh, अभी जो हुआ था आ, अमेरिका में वो उसमें गोल्ड जीता था एंडरसन ने इन जेवलिन थ्रो सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने और uh, टोक्यो ओलंपिक 2022 में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है सॉरी 2020 आएगा ठीक है गोल्ड इन जेवलिन थ्रो कितना थ्रो किया था 87.58 सेवन पॉइंट फाइव एट मीटर्स सो इंडियाज़ बिगेस्ट रबर डैम इज़ इन एट दैट इज़ गया बिहार सो so, गया बिहार में हम क्या बना रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट रबर डैम इज़ टू बी इज़ इैगरेटेड ठीक है इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम दैट इज़ फाल्गु रिवर के ऊपर है गया बिहार में और इसका नाम है गया जी डैम लेंथ है 411 मीटर की हाइट है तीन मीटर की अब कुछ और डैम है ऑल ओवर द कंट्री लाइक मेट्यो डैम इट इज़ नाम से पता चल रहा है दैट इज़ तमिलनाडु कावेरी रिवर के ऊपर ओंकारेश्वर डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है इसके ऊपर uh, हमारे पास इंडिया का सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग क्या है सोलर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 600 सौ मेगावाट जो है वो बिजली पैदा करेगा ठीक है वो ओंकारेश्वर डैम के ऊपर ही है दैट इज एमपी नर्मदा रिवर के ऊपर है ये सरदार सरोवर भी नर्मदा रिवर के ऊपर है दैट इज़ गुजरात में है धुआंधार वाटरफॉल ये भी नर्मदा रिवर के ऊपर है ये तीनों नर्मदा रिवर के ऊपर है हीराकुंड डैम दैट इज़ महानदी रिवर ऑन उड़ीसा में है टीरी डैम पता है भागीरथी उत्तराखंड इडुक्की डैम पैरियर रिवर के ऊपर है केरला में अलमाटी डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है इन कर्नाटका नौ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट दैट इज सिचुएटेड इन लद्दाख तो अभी अभी क्या हुआ था ये ये पास ऊपर वाला आ, पार्ट है यहाँ पे क्या एल एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है और यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे अक्साई चीन है ये चाइना ने जब हमें हराया था तो ये इन्होंने कैप्चर कर लिया है ठीक है और यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे एक जगह है इसका नाम है गोगरा हॉट स्प्रिंग तो वहाँ पे क्या हुआ था चाइनीज़ जो सेना थी वो अंदर आ गई थी यहाँ पे और इंडिया के जो सोल्जर थे उन्होंने भी इनको हटाने के लिए वहीं पे खड़े रहे तो उन्होंने इनको इधर आने नहीं दिया था हमारे इंडियन की टेरिट्री में तो अभी क्या हो रहा है अभी हमारे पास एस मीटिंग हो रही है ठीक है एस मतलब कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हो रही है उजबेकिस्तान में ठीक है तो उसमें चाइना भी आ रहा है तो जिसकी वजह से क्या कर दिया अभी कुछ दिन बाद वो होने वाली है इसकी वजह से क्या कर दिया पेट्रोलिंग पिलर फाइव बोलते हैं इस पॉइंट को और गोगरा हॉट स्प्रिंग बोलते हैं यहाँ से जो चाइनीज़ के ट्रूप्स हैं वो वापस पीछे हट गए हैं ठीक है तो यही न्यूज़ है ये न्यूज़ में था इसी वजह से गोगरा हॉट स्प्रिंग दैट इज़ इन लद्दाख हिमालयन दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज़ नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर को हम हिमालयन दिवस मनाते हैं इसका मतलब क्या है द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ठीक है द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हिमालयन दिवस ऑन सितंबर नाइन्थ ठीक है किसके एसोसिएशन के साथ नौला फाउंडेशन के साथ मिलके ठीक है इसका मतलब क्या होता है टू प्रिजर्व द हिमालयन इको इन द रीजन ठीक है द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालय अब हमारे पास बहुत सारे से चैलेंजेज हैं हिमालयन सिटीज़ में लाइक पुअर बिल्डिंग जिस तरह से हमारे पास शिमला है जिस तरह से हमारे पास उत्तराखंड है वहाँ पे क्या हुआ पुअर बिल्डिंग प्लानिंग हो रही है एंड उनका डिजाइन भी उतना अच्छा नहीं है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है रोड भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है ठीक है और कभी कभी वहां पर क्या, uh, uh, क्या हो जाता है अनप्रडिक्ट वे में क्या हो जाता है ट्रीज वगैरह फॉल करते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन ह्यूमन की लाइफ भी डेंजर में हो रही है तो इसके लिए हम बनाते हैं इसको इस सबसे बचने के लिए हिमालयन दिवस मनाते हैं दैट इज ऑफ नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर मेरिटिस मेरिटियस सर्विस मेडल टू लांबा फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया इज गिवन बाय विच कंट्री गिवस द मेरिटियस सर्विस मेडल विच कंट्री लिखना विच कंट्री गिव्स दर्विस मेरिटियस सर्विस मेडल टू लांबा फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया दैट इज सिंगापुर तो सिंगापुर के जो सिंगापुर uh, ने क्या किया है इंडिया uh, के इंडिया uh, के एक लांबा नाम के नेवी uh, स्टाफ के चीफ थे दैट इज एडमरल सुनील लांबा इनको दिया है मैरिटियस सर्विस मेडल ठीक है क्यों दिया है द फॉर्मर इंडिया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दैट इज एडमायरल सुलील लांबा हैज़ कन्फर्म द सिंगापोर्स प्रेस्टिजियस मिल्ट्री अवार्ड द क्या नाम है उस अवार्ड का दैट इज पिंगत जासा ठीक है और इसको बोलते हैं तेनतेरा भी बोलते हैं और मेरिटियस सर्विस मेडल ऑफ मिलिट्री ये भी बोलते हैं एम एस एम एम ठीक है बाय प्रेसिडेंट जो हमारे पास सिंगापुर के प्रेसिडेंट है दैट इज़ उनका नाम है हेलीमा याकूब हेलीमा याकूब इनके प्रेसिडेंट है सिंगापुर के तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है एडमायरल सुनील लांबा जो कि हमारे पास फॉर्मर इंडिया के नेवल चीफ थे एडमारल लांबा हैज़ बिन कन्फर्ड द एवार्ड फॉर इस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एनहांसिंग एंड स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बाईलेट्रल डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी तो इंडियन नेवी और जो सिंगापुर नेवी है इनको बीच में एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड जो है वो बनाया था किसने एडमायरल सुनील लांबा ने तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते इनको ये वाला अवार्ड दिया गया है